आज तारो सरप्राइज छे। आर यू रेडी? यस। सबके सरप्राइज है। शुरू करें? गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक वीडियो बनाने आए हैं। अच्छा सा वीडियो है। मैं ऐसे चैलेंज अच्छी होगी। चैलेंज? ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मीशो से थोड़ी बहुत चीजें ऑर्डर करी थी, यानी कि मैंने मीशो से इतनी सारी चीजें एक साथ ऑर्डर करी थी। सारी चीजें एक साथ आ गई है, हम भी आ गए हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी शॉपिंग हमने करी है हमारे फेवरेट ऐप मीशो से। यस, मीशो से। हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम हमेशा मीशो से ही शॉपिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। और इससे पहले कि सारा सामान गिरते पड़ते कुछ टूट जाए तो हम स्टक। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टी शर्ट की बात करेंगे, एंड दिस इज सो क्यूट। आपने इंस्टाग्राम पे हर जगह देखा होगा वो गर्लफ्रेंड वाला रील, मतलब टी शर्ट वो लिपस्टिक लगाती है या ये बड़ा अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए अपनी वो लिपस्टिक का मार्क ऐसे ही यहाँ पे बनाती है। बट हम इतनी मेहनत करने में मानते नहीं हैं, तो हम ऐसे प्रिंटेड वाला ले आते हैं। लिपस्टिक वाला मार्क है जो ऑलरेडी प्रिंटेड है। दिस इज क्यूट, राइट? इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है और हम वो डेफिनेटली बाय करने वाले हैं। मैं ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूज थी, हाँ कैसे आएगा। दिस इज गुड। सो या वन मोर थिंग, ये श्री ने जो पहना है अभी मुझे बहुत ही क्यूट लगता था। पिंक कलर के हार्ट्स बने हुए हैं, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है लव 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 ऑल द ड्रेस में। बहुत ही क्यूट लगता है। ऐसे सोच के लिया था कि हम इसको पिंक हेयर बैंड या पिंक बैग और पिंक सैंडल के साथ मैच करेंगे एंड गुड टू गो। सबसे पहले हम इसी पार्सल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया था। आपके हाथ में निकालना बाकी है और आपको दिखाना बाकी है। ये है एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस जिसमें आती है साथ में एक ये बेल्ट जो गिर जाती है। ये है हमारी ब्लैक कलर की बेल्ट। दिस इज द फ्रॉक, दिस इज उल्टा क्योंकि ये श्री ने ट्राई किया था। बहुत ही क्यूट लग रहा था ये, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा था। हाँ, पटोला डिजाइन में है एंड आई जस्ट लव पटोला डिजाइन। मैंने एक अभी अभी एक दुपट्टा लिया है, इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसी डिजाइन है। नॉट कॉटन वाला, यहाँ पे ऐसी डोरी बांधनी चाहिए और ये तो फिसल, नहीं बांधती तो फिसल जाता है। फ्रॉक क्यूट लगता है। इसके साथ आता है ये बेल्ट जो अगेन गिर जाता है। वेस्ट पे इसे बांध सकते हैं और मैंने माथे पे भी बांध सकते हैं। हाँ, मैंने श्री को हेयर बैंड बना दिया था और वो काफी क्यूट लग रहा था। क्यूट सी सस्ती सी वुडन की होम डेकोर। मैं ऐसे चांस नहीं लेना चाहती थी कि इतना सस्ता है तो कैसा आएगा, बट मैंने सोचा कि देख लेते हैं। खुल गया है, ये फंस जाता है और चलता है। ये कुछ 100 या ऐसे कुछ, मतलब 100 कुछ कम था। मैंने सोचा कि वुडन का इतना सस्ता होम डेकोर कैसे मिल सकता है, एंड आई जस्ट लव वुडन होम डेकोर की चीजें। ये है हमारी बूट। वाओ, सो दिस इज द शोपीस। यस, हाँ ये घर बना हुआ है और आई डोंट नो बट दिस इज सो क्यूट। इसकी प्राइस आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा है एंड आई जस्ट लव इट। मैंने श्री को बोला हुआ था कि उसके लिए मैंने कुछ सरप्राइज मंगवाया है और दिखाया नहीं था, सो दिस इज द सरप्राइज। और अब ये हम ओपन करेंगे। ओपन करो। श्री को ड्रेसेस पहनने का बहुत ही शौक है एंड दिस इज द फ्रॉग। इज दिस फ्रॉग एंड लुक एट दिस, आई मीन दिस इज सो क्यूट। ये प्रिंसेस बनी हुई है एंड ये देखो पूरा रफल वाला है। ये श्री का फेवरेट है। ये कॉम्बो में था, मैंने ऐसे अलग अलग करके भी कार्ट में रखा हुआ था बट ये मुझे कॉम्बो में मिल गया, ऑब्वियसली कम प्राइस में मिला था। फिर मैंने फटाफट से ये कैसे खोलते
उल्टा है। दिस इज द फ्रॉग एंड ये कौन है? माशा। शी लव्स द कार्टून माशा एंड द बैट। तो ये पूरा दिन माशा एंड द बैट देखते रहते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस एंड दिस इज आल्सो सो सो क्यूट। क्यूट? यस। सो हैप्पी श्री से ज्यादा मुझे लगता है मैं हैप्पी हूँ। दिस इज दिस दिस इज बहुत ही बड़ा साइज मुझे लग रहा है। I don't know why. ये अच्छा लगता है मुझे तो। This is the crocs. Bunny, coconut trees, bear and duck. ये बहुत ही lightweight है, मुझे बहुत ही cute लगे थे and मुझे ऐसे पैसे उड़ाने का शौक है, सो या कह सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा सोचा है कि हम मॉनसून में कभी ऐसे हिल स्टेशन विल स्टेशन पे जाए तो ये काम आ सकता है, बट पता नहीं है कि हम जाने वाले हैं या नहीं, है क्योंकि हम चांस लेने में नहीं। नेक्स्ट इज दिस वन मोर ब्लैक कलर की आइटम और सेट जो आपने मीशो में हर जगह देखा होगा और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट हमारा फेवरेट है ब्लैक कलर। आप समझ गए होंगे ये कौन सा वाला है, like a traveling में ये काम आएगा, so that's why this. सिर्फ दो ही चीजें बची है, हेयर भी सूखने को आए हैं। कौन सा पहन कहते हैं इसको? वाइड लेग कार्गो और ट्राउजर। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ। पतिदेव द्वारा गिफ्ट किया गया है, उन्होंने ऐसे ही सरप्राइज ऑर्डर कर दिया है। आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। सेम प्रिंट कलर का आई मीन बीज कलर का मैंने जूडियो से लिया हुआ है। इसकी प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है ऑब्वियसली। सेम वैसा फिर मैंने मीशो में देखा तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ था, बट एनीवे दिस इज द पैंट। पॉकेट्स दोनों साइड, लॉन्ग 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 वाला पैंट जो मुझे ज्यादा पहनना पसंद नहीं है, मैं शॉर्ट कपड़े ज्यादा पहनती हूँ। आई एम नॉट अ जीन्स पर्सन बट ड्रेस पर्सन। इसको आप देखते हैं हम कैसे स्टाइल करते हैं और कहाँ पहनते हैं और कितना पहनते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो अब लास्ट चीज बची है हमारी एंड ये मेरे कार्ड में ना जाने कब से था, इसकी प्राइस ऊपर थी और फिर अब मैंने लिया है जब इसकी प्राइस यहाँ तक आ पहुंची है। वो भी ब्लैक है। यस, ब्लैक कलर का हमारा ऑनलाइन देखा ही होगा, बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। फर्स्ट इज दिस हमारा ये आई मास्क एंड सेकेंड वन पैंट व्हाइट कलर की लाइनिंग एंड वो गिर जाता है, इतना सिल्की है ये गिर गया अपने आप ही। मेरी हेयर इतने सिल्की है, वी कांट डिसाइड। हमारा शॉर्ट्स लाइनिंग बनी हुई है, नाइट ड्रेस का टॉप, आई जस्ट लव इट। मतलब इसमें मरून कलर जो मतलब कंफ्यूज थी कि कौन सा लू, बट एनीवे हमने ब्लैक ही सिलेक्ट किया। इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट वाला भी अवेलेबल मिल जाएगा, आपको सिर्फ पैंट वाला भी अवेलेबल मिल जाएगा, आई मास्क नहीं आएगा और शॉर्ट नहीं आएगा। तीनों की प्राइस में बहुत ही फर्क है, आई मीन फर्क है। हम सस्ते से सस्ते में ज्यादा से ज्यादा चीजें या अच्छी सी चीजें कैसे ले, उसमें हम प्रो है। दैट्स व्हाई वी बॉट दिस। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे होता है खत्म। मैंने थोड़ी सी चीजें मतलब और भी मंगवाई हुई है, थोड़ी सी श्री के लिए है, थोड़ी सी घर के लिए और थोड़ी सी मेरे लिए, एंड वो चीजें आ जाए फिर हम नथिंग ज्यादा ठीक है नथिंग ज्यादा बताना लायक एंड नया वीडियो लेके आए। तब तक के लिए आना यही है आना चैनल। ओके बाय।